नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल ममता बनर्जी और उनकी घोटालेबाज गैंग पर उठाएंगे, जिससे पूरी की पूरी टीएमसी जल जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा भर्ती घोटाले में सीबीआई ने ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और राज्य शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी को नाप दिया है। दो दिनों तक इनसे शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर सख्ती से पूछताछ की गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साथ ही जांच की आंच ममता बनर्जी तक पहुंच रही है और सवाल सुलगने लगे हैं। क्या शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी? क्या ममता की शह पर बंगाल में बड़ा घोटाला हुआ? क्या सीबीआई को ममता और मंत्री के खिलाफ सबूत मिले? यानी कि अब टीएमसी के नेता तो फंसे ही, ममता बनर्जी को भी ले डूबे। आखिर क्यों इतना रायता बंगाल में फैल रहा है? तो इसके लिए पहले पूरा मामला समझिए कि आखिर कैसे बंगाल में टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार का खेल पकड़ा गया। दरअसल 2016 में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें पीड़ित महिला बबीता सरकार को ज्यादा नंबर यानी 77 अंक मिले। तो वहीं टीएमसी में राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी को 61 नंबर मिले। पहले नंबर पर होने के बावजूद पीड़िता को सरकारी नौकरी नहीं दी गई, लेकिन दूसरे नंबर पर आई मंत्री की बेटी को नौकरी से नवाजा गया और उसके लिए भी नंबर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। पीड़ित महिला ने दर दर की ठोकरें खाकर इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सरकार ममता दीदी हैं, उन्हीं के मंत्री की बेटी को नौकरी मिली है। मजाल है कोई उसे पद से हटा जाए। आखिर जब महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसे न्याय की किरण जागती दिखाई दी, और कोर्ट ने जब सभी सबूत देखे तो जज के भी होश उड़ गए। कोर्ट ने बिना देरी किए इस गड़बड़ की जांच के आदेश सीबीआई को दे दिए और आदेश दिया कि मंत्री की बेटी अंकिता अधिकारी को अगले आदेश तक स्कूल में काम करने की अनुमति नहीं दी जाए। और सबसे बड़ा फैसला यह कि जितना भी वेतन मंत्री की बेटी ने इस भ्रष्टाचारी नौकरी से हड़पा है, उसे वापस किया जाए। कहीं ना कहीं कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित को इंसाफ तो मिला, लेकिन ममता और उसकी गैंग का बड़ा भ्रष्टाचार भी सामने आ गया। मंत्रियों पर तो सीबीआई ने पूछताछ के लिए शिकंजा कस ही दिया, लेकिन जांच की आंच ममता पर भी आ गिरी, क्योंकि ममता की शह के बिना बंगाल में कुछ हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा मंत्री उनके हैं, तो उनसे पूछे बिना कैसे वो फर्जी भर्तियां करवा सकते हैं। ऐसे में अब मंत्री फंस रहे हैं तो ममता का फंसना भी तय है। वो कैसे? तो इसके लिए बिहार का चारा घोटाला समझिए। जैसे कि बिहार के चारा घोटाले में आरोपी पशुपालन मंत्री भोला राम तूफानी थे, तो इस केस में जांच की आंच लालू तक भी पहुंची, क्योंकि लालू उस वक्त मुख्यमंत्री थे। और आखिर में लालू इस केस में ऐसे फंसे कि कई सालों तक जेल में रहे। आज भी उनके गले से भ्रष्टाचार का फंसा हुआ फांस निकला नहीं है। तो उसी तरह अब बंगाल का शिक्षा भर्ती घोटाला है, जिसके कहीं ना कहीं तार ममता बनर्जी से जुड़ेंगे ही। ममता के पास तक सीबीआई पहुंचेगी, पूछताछ होगी, तो ममता का जेल जाना भी संभव हो सकता है। वैसे ही बंगाल का भ्रष्टाचार हो या हिंसात्मक घटनाएं या फिर हिंदुओं पर वार, मोदी और शाह की पैनी नजर टिकी हुई है। वहां की कानून व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार चिंता भी जाहिर कर चुकी है। ऐसे में अब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो मोदी एक्शन क्यों नहीं लेंगे? इसी की जांच के लिए सीबीआई को बंगाल भेजा गया है, ताकि टीएमसी की तानाशाही पर लगाम लगाई जा सके और वहां के लोगों को इंसाफ मिल सके। अब जैसे जैसे इस केस की परतें खुलने लगी और सीबीआई की ममता के नेताओं से पूछताछ का सिलसिला बढ़ा, तो सीने में दर्द का बहाना कर ममता के नेता पतली गली से निकल गए। जाहिर सी बात है, कोई राज छुपा रहे हैं, इसीलिए सीबीआई की पूछताछ ने इन्हें बीमार कर दिया है। खैर, कितना भी भागे, लेकिन ये सीबीआई के हंटर से बच नहीं पाएंगे। ममता इस केस में इतनी बौखला गई हैं कि बीजेपी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया है। अब ममता कह रही हैं कि भाजपा देश में तुगलकी शासन चला रही है और देश को बांटने की कोशिश कर रही है। वो केंद्रीय एजेंसियों को नियंत्रित कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कर रहे हैं। ममता ये भी कह रही हैं कि पिछली वाम मोर्चा सरकार में सरकारी नौकरियों में कई गड़बड़ी
तैयारियां हुई लेकिन एक बार भी कार्रवाई नहीं की गई, तो अब उन्हें और उनके मंत्रियों को फंसाया जा रहा है। ममता को ये कहते में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि राज्य को आप खुले आम नर्क बना रही हैं। आप जैसे नेताओं को तत्काल प्रभाव से सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, उसके बाद आगे का हिसाब किताब करना चाहिए। ममता की इस हरकत का अब बीजेपी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीजेपी नेता मुख्य प्रवक्ता श्यामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि भर्ती घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बयान दे रही हैं। माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही है, ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाना आरोपितों का बचाव करना है। अब ममता बौखलाएं या फिर बीजेपी पर आरोप लगाएं, किसी भी कीमत पर बच तो पाएंगी नहीं। वैसे भी वो कई केसेस में जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। भतीजे अभिषेक और उनकी बहू का कोयला घोटाले का मामला ही देख लीजिए, जिसमें कभी भी अभिषेक सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं और ममता भी लपेटे में आ सकती हैं, क्योंकि ईडी कई बार तो अभिषेक उनकी पत्नी से कोयला घोटाले में पूछताछ कर चुकी है, कई अहम सबूत भी हाथ लग चुके हैं, कई बार और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता को फटकार लगाते हुए पूछताछ में सहयोग करने को कहा है, तो इसमें भी ममता नहीं बच पाएंगी। अब बात ममता के नेताओं की एक और भ्रष्टाचार की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में मवेशियों की तस्करी के मामले की टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल फंसे हैं। इस केस की जांच भी सीबीआई ही कर रही है और जब भी सीबीआई अनुव्रत मंडल को पूछताछ के लिए तलब करती है, वो बीमारी का बहाना बना देते हैं। कभी उनके सीने में दर्द हो जाता है, कभी वो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, बस सीबीआई के सामने नहीं आते, क्योंकि जनाब पर आरोप भारत बांग्लादेश सीमा से मवेशी तस्करी है, जिसमें जांच की आंच ममता पर भी पहुंच रही है। ऐसे में अगर टीएमसी नेता सीबीआई के आगे पेश हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है तीखे सवालों का जवाब देना होगा। मुंह खुलेगा तो राज भी बाहर आएगा, जिससे टीएमसी नेता तो जेल जाएंगे ही, ममता भी लपेटे में आएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने शह दे देकर बंगाल को भ्रष्टाचार की नगरी बना दिया, बर्बादी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोग परेशान हैं, ममता आम लोगों के मुद्दे से अनजान है, बस बिजी हैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में। लेकिन अब मोदी का हंटर बंगाल में चल चुका है, न ममता बचेंगी न ममता के भ्रष्टाचारी नेता, चुन चुन कर सब सलाखों के पीछे जाएंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही, कल फिर नए सवालों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।